बिग बॉस सीज़न 2 की TRP इस टाइम के ऊपर बहुत हाई है और तमाम चैनल्स को बिग बॉस सीज़न 2 ने बीट कर दिया है। लेकिन बिग बॉस सीज़न 2 में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, कोई भी उसको ब्रेक करता है उसको सज़ा ज़रूर दी जाती है। लेकिन इस बार किसी पार्टिसिपेंट ने रूल ब्रेक नहीं किया, बल्कि सलमान खान से ख़ुद रूल ब्रेक हो गया है। एक्चुअल स्टोरी है क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बताया जा रहा है कि सलमान खान OTT सीज़न 2 की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थे, उनसे गलती से एक सिगरेट पीते हुए एक पिक्चर वायरल हो गई, जिसके बाद OTT सीज़न 2 की मैनेजमेंट ने सलमान खान को वार्न किया है कि अगर ये दोबारा इस तरह की हरकत हुई तो आपको हम कंपेयरिंग से निकाल देंगे। बिग बॉस OTT सीज़न 2 अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज, अपने रोमांस, अपनी लड़ाइयों की वजह से शदीद मशहूर है। शायद इसी वजह से उसकी TRP हाई है। लेकिन इस बार तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं सलमान खान। सलमान खान के हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, जो खुल्लन मखुल्ला ये जाहिर करता है कि वो बिग बॉस सीज़न 2 की पॉलिसी एंड रूल्स को ब्रेक करता है। इस टाइम मैनेजमेंट जो है वो सर पकड़ के बैठ गई है कि होस्ट ने जो है वो रूल्स ब्रेक कर दिए हैं। अगर होस्ट ने रूल ब्रेक कर दिए हैं तो कोई भी रूल्स ब्रेक कर सकता है। कल हमें कोई भी कह सकता है कि आपके तो अपने लोगों ने रूल्स ब्रेक कर दिए हैं। इसके ऊपर सलमान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सलमान खान को वार्न कर दिया गया है कि अगर उन्होंने इस तरह की हरकत दोबारा की या इस तरह के रूल्स को दोबारा तोड़ा तो उनको हम मेज़बानी से हटा देंगे। आपका इस सारे मामले के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।